यू में आशूरा पर वादी कश्मीर में दर्जनों मकामात पर छोटे बड़े मातमी जुलूस निकाले गए जिनमें हजारों की तादाद में आज़ादारों ने शिरकत की। मसलसल दूसरे साल भी आशूरा के मौके पर जुलजिन्हा जुलूस को रिवायती रास्तों पर जाने की इजाज़त दी गई। वादी कश्मीर में सबसे बड़ा मातमी जुलूस जड़ीबल और बड़गाम में बरामद हुआ। इस मौके पर उलमाए कराम ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की अजीम रोशन तालीमात और सानहा करबला के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर किया। मरकजी जुलूस में सूबाई कमिश्नर कश्मीर, डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर, ADGP विजय कुमार और IGP कश्मीर ने भी शिरकत की। इस दौरान लद्दाख, जम्मू और पुंछ में भी मातमी जुलूस निकाले गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला कहते हैं DGP RR सवैन ने सियासी तकरीर की थी, बेहतर होगा कि वो सियासत को सियासतदानों पर छोड़ दें, हालात को बेहतर बनाएं और मिलिटेंसी का मुकाबला करें। हम मिलिटेंसी का मुकाबला नहीं कर सकते, उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, हुकूमती काविशों में ताउन कर सकते हैं, लेकिन मिलिटेंसी से लड़ना DGP का काम है, बेहतर है कि वो अपना काम करें। उमर ने अपने बयान में मजीद कहा कि हम उम्मीद करेंगे कि इंतखाबात से कबल जम्मू कश्मीर का रियासी दर्जा बहाल हो जाएगा, क्योंकि UT इंतजामिया हर महज पर नाकाम हो चुकी है। LG को मजीद इख्तियारात देना UT होने के खतरात में शामिल, इख्तदार आवाम के पास नहीं होता, हमें उम्मीद है कि जल्द ही ये सिलसिला ख़त्म होगा। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखला ने जल्द इंतखाबात कराने और रियासी दर्जे की बहाली की यकीन दहानी कराई है। वहीं एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विजय कुमार का कहना है कि जम्मू और कश्मीर पुलिस एक गैर सियासी फोर्स है और गैर जानबदाराना बुनियादों पर काम करती है। DGP RR सवैन के बयान में उनकी जाती राय हो सकती है, वरना जम्मू और कश्मीर पुलिस कालिस्तन गैर सियासी है और गैर जानबदारी पर काम करती है। विजय कुमार ने शहदाए करबला को खराज अकीदत पेश किया और लोगों से अमन, हम आहंगी और अमन अमान बरकरार रखने की अपील की। कांग्रेस बढ़ती हुई मिलिटेंट सरगर्मियों को रोकने में हुकूमत की नाकामी के खिलाफ जुम्मा को एक तहरीक शुरू करेगी। असेंबली इंतखाबात से कबल लेफ्टिनेंट गवर्नर को बेलगाम इख्तियारात देने के खिलाफ भी मोर्चा खोलेगी। कांग्रेस जम्मू कश्मीर के सरबरा विकार उसूल वानी का कहना है यह तहरीक रियासी सतह पर शुरू होगी और जल्द ही इसे जिला और ब्लाक की सतह पर भी शुरू किया जाएगा। हम असेंबली इंतखाबात के इनकाज के लिए सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन से कबल रियासी दर्जे की बहाली के लिए भी दबाव डालेंगे। वानी अपने बयान में मजीद कहते हैं कांग्रेस की हुकूमत के दौरान जम्मू को मिलिटेंसी से पाक कर दिया गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोगों को तहफ़ फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम। BJP जम्मू और कश्मीर के इलेक्शन इंचार्ज जी किशन रेड्डी का कहना है जम्मू और कश्मीर के कोने कोने में अब तिरंगा फख्र से बुलंद हो रहा है। उकरबा परवरी, अलहदगी पसंदी, मिलिटेंसी और हड़ताल कालों का दौर ख़त्म हो चुका है। हर तरफ तामीर और तरक्की हो रही है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के लिए पूरी तरह से तैयार, अगली हुकूमत हमारी होगी। दफ़ा 370 की मनसूखी हुकूमत का अहम कदम, माजी में हमें श्रीनगर में तिरंगा लहराने के लिए मुलगिर यात्रा निकालना पड़ती थी, अब हर घर में तिरंगा फख्र से बुलंद है। नाज़रीन, वक्त हो चुका है एक छोटे से तजारती वक्फे का, जल्द हाजिर होंगे, बने रहें आप कश्मीर उज़्मा के साथ। कश्मीर अंदर आला मयारिश टेस्टिंग लैब, यानी मंचु न तो ही टेस्टिंग खतर नेबर गसुन, न सैंपल नेबर सोजिन, टोटल क्लिनिकल डायग्नोसिस, होम सैंपल कलेक्शन, द महे डॉक्टर हिज निगरानी, GK लैब्स, द नेम यू ट्रस्ट, यमर्जल कॉम्प्लेक्स, ओल्ड कोट रोड, लाल चौक, श्रीनगर। कॉल करो 9622888588 पेट या 9622888688 पेट। वक्फे के बाद फिर से नाज़रीन आपका इस्तकबाल करते हैं। जम्मू सूबा के पहाड़ी जिला डोडा के भाटा दहसा इलाके में गुज़श्ता शब सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान फायरिंग का मुख्तसर तबादला हुआ। विलेज डिफेंस ग्रुप से वाबस्ता अहलकारों ने भी मिलिटेंटों पर फायरिंग की, तहम इस दौरान किसी के जख्मी या हलाक होने के बारे में अभी तक कोई इतला मौसूल नहीं हुई। इधर सिक्योरिटी फोर्सेज ने मजीद कई जंगली और बालई इलाकों में तलाशी ऑपरेशन शुरू किया है।
जम्मू खिते में मिलिटेंट हमलों के हालिया वाकात पर कांग्रेस के सीनियर लीडर डॉक्टर करण सिंह का कहना है ये वाकात इंतहाई तश्वीशनाक है। मिलिटेंटों ने अब जम्मू पर तवज्जो मरकूज करना शुरू कर दी, इसमें कोई शक नहीं कि ये इंतहाई तश्वीशनाक है। बरसों से मिलिटेंट वादी कश्मीर में अपनी कार्रवाइयों को अंजाम देते रहे, बड़ी मुश्किल और हिम्मत के साथ उन्हें काबू में लाया गया। ऐसा लगता है कि अब उन्होंने जम्मू पर तवज्जो मरकूज करना शुरू कर दी है। वहीं खिते चनाब के पहाड़ी जिला डोडा में 5 फोर्सेज अहलकारों की हलाकत पर अफसोस का इजहार करते हुए बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने कहा हम दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, यकीनी बनाएंगे कि पाकिस्तान को इसके बुरे अमाल की भारी कीमत चुकानी पड़े। जम्मू कश्मीर में अमन को खराब करने के लिए मिलिटेंटों की ये खौफनाक कार्रवाई है। बहादुर जवानों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। जम्मू कश्मीर में अमन खराब करना पाकिस्तान की साजिश है। और पार्लिमानी और अखिलियाती अमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने आज बालताल बेस कैंप का दौरा किया और जारी अमरनाथ यात्रा के इंतजाम का जायजा लिया। बालताल में तैनात सीनियर अहदेदारों ने मरकजी वजीर को सालाना अमरनाथ यात्रा के हवाले से किए गए इंतजाम के बारे में मुफसल जानकारी फराहम की। रिजिजू ने इस मौके पर कहा यात्रियों की सहूलियात के लिए तमाम तर इंतजाम किए गए हैं, सभी सहूलियात मैसर रखी गई हैं। इन्हीं खबरों के साथ नाज़रीन दीजिए इजाजत, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहें कश्मीर उज़्मा के साथ, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। आप मजीद खबरें हालात वाकात के लिए हमारे साथ समाजी राबिता का एक्सपर्ट फेसबुक यूट्यूब इंस्टा के अलावा वेबसाइट पर भी ज्वाइन कर सकते हैं।